हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राय ऑनलाइन एकेडमी एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको क्लास 10 से 12th के साथ पॉलिटेक्निक इंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि आज हम लोग इस क्लास में मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट का सिलेबस में एक विषय पढ़ना है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन। उसी का दूसरा लेक्चर, यानी कि पहले लेक्चर में जो भी स्टूडेंट यानी पिछले लेक्चर यानी प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा तो जाकर देख लें, क्योंकि आपको जब इस लेक्चर को देखने से पहले ही प्रीवियस लेक्चर को आप देख लीजिएगा तो अगला यानी कि यह लेक्चर आपको समझ में अधिक से तुरंत आ जाएगा, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत होगी। इस चलते आप जाकर पिछले लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर को देख लीजिए। तो चलिए आज अपने विषय वस्तु को चलते हैं, तो देखिए वीडियो में कहता है कि मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। हम लोग पिछले क्लास में जान लेते हैं कि मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। टोटल हम लोग को पढ़ना है सात रेफ्रिजरेशन सिस्टम। पहला हो गया आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जिसमें आइस का यूज करके रेफ्रिजरेशन करें उसे आइस रेफ्रिजरेशन की सिस्टम कहते हैं। दूसरा हो गया रेफ्रिजरेशन बाय एवेपोरेशन ऑफ एयर, यानी एयर को फैलाकर करें उसे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तीसरा हो गया रेफ्रिजरेशन बाय एवेपोरेशन, यानी एवेपोरेशन वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा रेफ्रिजरेशन करेंगे। उसके बाद चौथा हो गया रेफ्रिजरेशन बाय थ्रॉटलिंग ऑफ गैस, यानी किसी रिस्ट्रिक्टेड पैसेज के द्वारा गैस को हम लोग पास करके उसको करते हैं, उसी को रेफ्रिजरेशन बाय एयर थ्रॉटलिंग ऑफ गैसेस कहते हैं। उस पांचवा हो गया एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये पांचवा हो गया एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम जिसमें हम लोग एयर का यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में, एयर का यूज करेंगे उसे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहेंगे। और एक है छठा हो गया स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन, यानी स्टीम का उपयोग करके हम लोग रेफ्रिजरेशन का यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट का यूज करते हैं उसी को हम स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन यानी पढ़ेंगे। उसके बाद सातवां हो गया आपका वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी वेपर को निवास को वेपर को कंप्रेस करके रेफ्रिजरेशन सिस्टम यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में यूज करते हैं उसी को वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। तो चलिए आज पहले लेक्चर में मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन को देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी वेरियस यानी की तरह का होता है। पहला देखें आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी आइस इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में आइस का यूज होता है उसी को आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखिए क्या कहता है कि इट इज एन ओल्डेस्ट मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहता है। यह एक सबसे पुराना मेथड है क्या रेफ्रिजरेशन करने का, सबसे पुराना मेथड सबसे पहले आइस से हम लोग रेफ्रिजरेशन को स्टार्ट किए थे। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटेड कैबिन, या देखिये इंसुलेटेड कैबिन हो गया, इसमें ना ही हीट बाहर से अंदर जाएगा अंदर से बाहर रहेगा। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए इंसुलेटेड कैबिन व्हिच हैज ए ट्रे, यानी कि एक ट्रे रहता है जिसपे हम लोग कुछ किसी चीज को रखते हैं, एक तरह से अलमारी कह सकते हैं। तो यह क्या कहता है इट कंसिस्ट ऑफ इंसुलेटेड कैबिन व्हिच हैज ए ट्रे, इसी पर इसके पास एक ट्रे होता है। ए ट्रे कंसिस्ट ऑफ हग अमाउंट, यानी अधिक मात्रा में क्या आइस को कंसिस्ट यानी रखता है अपने ऊपर रखता है। फिर कहता है बी नो डेट आइस इज डेंसर, हम लोग जानते हैं कि आइस एक डेंसर है। टू हॉट हॉट यानी हॉट एयर से हम लोग क्या आइस एक डेंसर का है। फिर कहता है कि व्हेन द हॉट एयर, जब हॉट एयर क्या फ्लो करता है थ्रू आइस, जब हॉट एयर आइस मान लीजिए रखा हुआ आइस है, ये आइस है इसमें हॉट एयर क्या करेगा, हॉट एयर करेगा पास करेंगे फ्लो करेंगे, तो ये जो आइस है ना जो हॉट एयर को कंसिस्ट करेगा यानी हीट को ऑब्जर्व करेगा। कहता है उसी प्रकार देखिए डेंसर, फिर कहता है थ्रू आइस हॉट एयर ऑब्जर्व, यानी कि हॉट एयर ऑब्जर्व यानी कि हीट को यानी कि हीट यानी कि क्या आप लोग जानते हैं कि ऑब्जर्व क्या करता है, हीट ट्रांसफर करता है यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, यानी कि हॉट एयर से क्या ऑब्जर्व करेगा यानी कि आइस में जाएगा आइस के एयर में। तो कहता है हॉट एयर ऑब्जर्व द आइस एयर को यानी कि ऑब्जर्व करेगा हीट को, फिर इस कूल यानी कि आइस पिघल जाएगा यानी कि बर्फ पिघल जाएगा, देन बिकम्स कूल यानी कि उसके बाद यह कूल ठंडा हो जाएगा, हॉट एयर क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा। फिर कहता है दिस इज आवर रिक्वायर्ड आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, इसमें यह प्रक्रिया कंटिन्यूअस होते रहता है, ऐसा नहीं कि रुक रुक होता है, यह एक कंटिन्यूअस प्रक्रिया होते रहता है, इसी को कहते हैं आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, यानी आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। देखता है इसका एप्लीकेशन देखते हैं हम लोग कहाँ का इसका यूज हम लोग एप्लीकेशन करते हैं यानी आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो देखिए पहला एप्लीकेशन में देखिए प्रिसर्विंग ऑफ फिश,
यानी कि आप लोग जब फिश यानी कि बाजार वगैरह में जाते होंगे फिश खरीदने के लिए मछली, तो देखो होंगे बाहर से यानी केरला कर यानी आंध्र प्रदेश से मछलियां आती है, उन्हें कैबिन में बंद करके उसमें आइस यानी बर्फ पे पैक क्यों रहता उसी में रहता है, यानी कि प्रिजर्विंग है कि मछली खराब ना हो, क्योंकि दो दिन तीन दिन चार दिन ट्रक से आता है तो दो चार दिन लग जाता है, तो इसलिए कि इसका यूज करते हैं यानी कि आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं प्रिजर्विंग ऑफ फिश। उसके बाद करते हैं प्री सर्विंग ऑफ आइसक्रीम कुल्फी, यानी इसको आइसक्रीम को कुल्फी ठंडा रखने के लिए, आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए, उसी प्रकार कुल्फी को ठंडा रखने के लिए भी इसको आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं। फिर कहता तीसरा एप्लीकेशन की कूलिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक, यानी कोल्ड ड्रिंक जो हो गया ठंडा हम लोग पीते हैं, यानी वाटर या ठंडा पानी को इसमें करते हैं कूलिंग ठंडा करने के लिए। शुगर कैन यानी गन्ने का जूस को करते हैं हम लोग ठंडा करने के लिए, ठीक है। तो कूलिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक कॉमा वाटर सर्व शुगर कैन जूस इटीसी, इसका एडवांटेज देखें तो इसका एडवांटेज कहता है इट्स सिंपल मेथड ऑफ कूलिंग, या इसका जो मेथड होता है जो सिंपल होता है, कोई इसमें प्रक्रिया लेंदी प्रोसेस के द्वारा नहीं होता, आप इसमें सीधा बर्फ के द्वारा इसमें आप इस मेथड को यूज कर सकते हैं, यानी कि सिंपल मेथड ऑफ कूलिंग हो गया। दूसरा कहता है इट प्रिजर्व होगा इट प्रिजर्व द नेचुरल टेस्टी, इसमें आप लोगों का टेस्टी एकदम नेचुरल रहेगा, जैसे मान लीजिए आप जिस तरह का भोजन बनाए उसका टेस्टी मान लीजिए रखने से पहले जिस टेस्टी है उसके बाद उसमें रखने के बाद द्वारा भी आप निकालिएगा ना तो टेस्टी एकदम कोई अंतर नहीं होगा, एकदम सेम टेस्टी होगा। एंड फ्लावर उसका भी टेस्टी का फूड का फ्लावर एकदम सेम रहेगा, यानी कि इसमें यह प्रिजर्व नेचुरल एकदम टेस्टी एकदम प्राकृतिक रूप से टेस्टी होता ना उसी को प्रिजर्व एंड फ्लावर ऑफ फूड को करता है। इसका डिसएडवांटेज को हम लोग देखे तो इसमें इसका डिसएडवांटेज ये है कि इट कंज्यूम हाई एनर्जी, चूंकि बर्फ बनाने में चूंकि देखिए इसमें बर्फ से हॉट एयर गुजरेगा तो इस ठंडा होकर बर्फ पानी पिघल जाएगा, फिर पानी को क्या करना है आइस बनाना है, पानी को आइस बनाना है, आइस बनाने की प्रक्रिया बार बार होते रहता है, यानी कि यह एनर्जी कंज्यूम ज्यादा मात्रा में करेगा। तो यही कहता है कि इट कंज्यूम हाई एनर्जी, यह हाई एनर्जी को कंज्यूम करता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज हो गया रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ सॉरी दूसरा इसका हो गया डिसएडवांटेज रेटिंग ऑफ कूलिंग इज लो, इसको रेटिंग तो आप सोचिएगा कि इसको तुरंत अभी रखे तुरंत हो जाए कूलिंग तो असंभव है, इसमें रेटिंग कूलिंग का रेटिंग होता है जो लो होता है बहुत सबसे कम लीसी में होता है कूलिंग का रेट, यानी कि आपको ठंडा होने कुछ समय लगेगा तभी यह ठंडा हो सकता है, समझे ना। फिर कहता है दूसरा यानी मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम का दूसरा कहता है कि रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर, रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ यानी एयर के एक्सपेंशन फैलाव के द्वारा जिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूज करते हैं उसी को कहता है रेफ्रिजरेशन बाय एयर एक्सपेंशन ऑफ एयर। इसका डिफिनेशन को देखें हम लोग तो कहता है वेन द एयर एंड गैस अंडर गोज द एडियाबेटिकली एक्सपेंशन इट्स टेम्परेचर ड्रॉप एंड इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है एंड वेन दे अंडर गोज कोल्ड मीडियम ठंडा क्षेत्र में जाता है मीडियम में देन कोल्ड मीडियम अब्सॉर्ब द हीट देन द बॉडी गेट्स कूल डाउन एंड इन दिस प्रोसेस एक्सपेंशन ऑफ एयर ड्यू टू एडियाबेटिकली एक्सपेंशन। इसका डेफिनेशन ये हो गया, आप इसको समझाते देखिए, कहता है कि रेफ्रिजरेशन बाय एक्सपेंशन ऑफ एयर कि व्हेन द एयर एंड गैस अंडरगोज जब गैस या एयर यानी हवा अंडरगोज करता है यानी एडियाबेटिकली एक्सपेंशन में, यानी पिछले क्लास यानी फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोग पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में एडियाबेटिकली एक्सपेंशन, चूंकि इसमें हम लोग को समझ गए होंगे उसमें तो देखिए एडियाबेटिकली एक्सपेंशन में जब गुजरता है एयर और गैस को तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है यानी अपने आप ड्रॉप हो जाता है एंड वेन द डे अंडर यानी जो टेम्परेचर ड्रॉप होता है जो अंडर गोज होता है कोल्ड मीडियम ठंडे प्रदेश में ठंडे में जगह में आता है, फिर कहता है कोल्ड मीडियम ऑब्जर्व करता हीट को देन द बॉडी बिकम्स उसके बाद बॉडी आपका कूल हो जाता है ठंडा हो जाता है। तो कहता है इन दिस प्रोसेस एक्सपेंशन ऑफ एयर ड्यू टू एडियाबेटिकली इस प्रक्रिया में यानी इस प्रोसेस में एक्सपेंशन ऑफ एयर किसके द्वारा होता है एडियाबेटिकली एक्सपेंशन के द्वारा होता है। तो देखिए बॉडी हो गया कोल्ड बॉडी एक हॉट बॉडी है बॉडी इसमें से कोल्ड एयर गुजरा तो यह बॉडी को क्या हो जाएगा ऑब्जर्व करके हीट को ऑब्जर्व करके क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा और उसके बाद प्रक्रिया किसके द्वारा गुजरा यानी एडियाबेटिकली प्रोसेस के द्वारा पे प्रक्रिया हुआ। उसके बाद तीसरा मेथड को हम लोग को देखे थे तीसरा मेथड है कि रेफ्रिजरेशन बाय एवोपरेशन यानी रेफ्रिजरेशन बाय एवोपरेशन इसका डेफिनेशन को देखे हम लोग तो एवोपरेशन इज ए प्रोसेस इन विच लिक्विड गेट्स अंडर गोज सॉरी
लिक्विड गैस कन्वर्ट वेपर, यानी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। फिर कहता है व्हेन द लिक्विड इज हीटेड देन इट्स कन्वर्ट इनटू वेपर। फिर कहता है कि द मेथड ऑफ वेपराइजेशन इज यूज इन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फिर कहता है व्हेन द लिक्विड पासेज थ्रू द हॉट बॉडी इट्स ऑब्जर्व द हीट एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग द हीट लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इन टू वेपर एंड बॉडी बिकम्स कूल। तो इसको देखिए समझते हम लोग। कहता है रेफ्रिजरेशन बाई एवोपरेशन, यानी कहता है कि एवोपरेशन इज ए प्रोसेस, एवोपरेशन एक प्रक्रिया है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट होता है किसी वेपर में, लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में, वेपर में लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। तो भेन द लिक्विड, जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है द मेथड ऑफ वेपराइजेशन इज यूज, यह मेथड वेपराइजेशन जिस मेथड में यूज करते हैं उसी उस रेफ्रिजरेशन सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन बाय एवोपरेशन सिस्टम कहते हैं। फिर कहता है कि व्हेन द लिक्विड पासेस थ्रू हॉट बॉडी, जब लिक्विड हॉट बॉडी से पास होता है तो इट ऑब्जर्व द हीट एंड आफ्टर द ऑब्जर्विंग द हीट लिक्विड गेट्स कन्वर्ट इनटू वेपर में बदल जाता है हीट को ऑब्जर्व करने के बाद एंड बॉडी बिकम्स, उसके बाद हमारा बॉडी जो है जो जिसको हम लोग को ठंडा करना हो ठंडा हो जाता है, यानी बॉडी बिकम्स कूल। उसके बाद अगला देखें मेथड हो गया था रेफ्रिजरेशन बाय थ्रॉटलिंग ऑफ गैसेस, यानी रेफ्रिजरेशन बाय थ्रॉटलिंग ऑफ गैसेस। तो इसका कहता है डिफिनेशन कि व्हेन एनी गैस पासेस थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज इट्स प्रेशर रिड्यूस बट इट्स एंथैल्पी रिमेन कांस्टेंट। कहता है कि जब कोई गैस रिस्ट्रिक्टेड पैसेज, यानी कि रिस्ट्रिक्टेड यानी कि जहां से रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से होकर गुजरता है, यानी कि कोई गैस उस, तो उसके बाद इसका प्रेशर होता है रिड्यूस होता है, यानी प्रेशर घट जाता है रिड्यूस हो जाता है, बट इसका एंथैल्पी जो होता है ना, एंथैल्पी एनर्जी होता है उसका कांस्टेंट हो जाता है। फिर कहता है फॉर रियल गैस के लिए इसका देखें तो प्रोसेस में, तो कहता है व्हेन द रियल गैस पासेस थ्रू रिस्ट्रिक्टेड पैसेज देन द प्रेशर ऑफ गैस मे बी रिड्यूस एंड इंक्रीज। कहता है रियल गैस के लिए, तो रियल गैस के लिए रिस्ट्रिक्टेड पैसेज के, जब रियल गैस को रिस्ट्रिक्टेड पैसेज से गुजारेंगे तो जरूरी नहीं है कि उसका प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, यानी कि रियल गैस में प्रेशर यानी रिस्ट्रिक्टेड पैसेज के द्वारा हम लोग किसी सकार मतलब जैसे रिस्ट्रिक्टेड पैसेज के द्वारा हम लोग क्या इस गैस को जब गुजारेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। फिर कहता है कि इफ एनी गैस अंडर गोज थ्रॉटलिंग प्रोसेस बियॉन्ड द इन्वर्जन द कर्व पॉइंट टू द टेम्परेचर ऑफ गैस डिक्रीजेज एंड व्हेन इट्स सॉरी व्हेन दीज रिड्यूस टेम्परेचर पासेज ओवर द बॉडी ऑब्जर्व हीट एंड बॉडी बिकम्स को, उसके बाद बॉडी क्या हीट को ऑब्जर्व करता है, उसके बाद बॉडी बिकम्स हमारा बॉडी हो जाता है कूल हो जाता है। फिर कहता है अगला पॉइंट, अगला मेथड की एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में रेफ्रिजरेंट के रूप में जब हम लोग एयर का यूज करेंगे तो उसी को कहते हैं एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी इफ एयर इज यूज एज रेफ्रिजरेंट देन सच टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, आर का मतलब रेफ्रिजरेशन समझिएगा, इज कॉल्ड एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। यानी इट इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द रिवर्स कार्नोट साइकिल, यानी पिछले सेमेस्टर में आप रिवर्स कार्नोट साइकिल पढ़े ही होंगे, यानी एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है। तो कहता है इट इज ए हाइपोथेटिकल साइकिल, यह एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, इफ एनी मशीन वर्क ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, यदि कोई भी मशीन रिवर्स कार्नोट साइकिल पर वर्क करता है देन इट का वर्क यानी कि वर्क है यह, तो वह रेफ्रिजरेटर या हीट पंप के की तरह वह काम करता है। तो ये था आप लोगों का मेथड ऑफ रेफ्रिजरेशन पढ़ना था, यानी कि सेकंड लेक्चर ही हो गया, जो अभी तक भी फर्स्ट लेक्चर रही जाकर देख लीजिएगा। देखिए हम पढ़ने का तरीका ये है कि चाहे हमारे पास ही क्यों पढ़िए या दूसरे संस्था में पढ़िए, देखिए दुनिया का हर एक मास्टर आपका सेम चीज पढ़ाएगा, बस उसका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। मैं से मान लीजिए कि मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये आप कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए कि हमें कुछ सीखना है तो वही आप पढ़ पाइए। देखिए एक पढ़ाने और पढ़ने का तरीका, ये कनेक्टिंग और कनेक्टिंग पॉइंट को समझिए। देखिए मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप एक बैठे को मेरे से पढ़ रहे हैं, यानी कि हम और आपके बीच कनेक्टिंग जुड़ना चाहिए, कनेक्शन को जुड़ना चाहिए, तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल को देखिए, सीधा एग्जाम्पल कि जब हम लोग छोटे थे तो एंटीना का यूज करते थे टीवी चलाने के लिए, सदा टीवी बड़ी सरगिन टीवी का प्रचलन बहुत कम था, तो सदा टीवी जब लोग आंधी उंधी आता था ना तो एंटीना यानी कि हिलने लगता था, जिससे हम लोग का कनेक्शन टूटने लगता था, यानी कि झिलमिल झिलमिल टीवियां करने लगती थी। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग पढ़ाई है कि आप लोग कनेक्शन यानी कि कनेक्शन को बना के रखिए, यानी कि बीच में डिस्टर्बेंस आए तभी भी आप तब आप नहीं समझ पाइएगा, डिस्टर्बेंस को आप
दूर करके पढ़ाई के कनेक्शन कनेक्टिंग पॉइंट को बनाए रखिए, तो वही आपको देखिए, तो वही आप पढ़ाई में आनंद के साथ पढ़ सकते हैं। इसलिए आप हमारे साथ एक एंटीना को जोड़ कर रखिए, जो जब तक आप एंटीना को जोड़ कर रखिए आपका हम विश्वास कॉन्फिडेंस देते हैं कि आपसे अच्छा कोई बेहतर इस क्षेत्र में नहीं हो पाएगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, जय हिंद।